खरगोन जिले के भीकनगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की कमी के अभाव में मरीजों का समय रहते इलाज नहीं हो पा रहा है। ताजा मामला सामने आया है जिसमें बशीर नामक व्यक्ति की इलाज के अभाव में मृत्यु हो गई। बशीर पिता सफी निवासी भीकनगांव करीब 9 बजे पेट दर्द होने से अपने बच्चों के साथ शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इलाज के लिए गया। डॉक्टरों की कमी और मरीजों की अधिक संख्या होने के कारण लंबी लाइन लगी थी, जिसमें उपस्थित डॉक्टरों ने खरगोन जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां बशीर को मृत घोषित कर दिया गया। भीकनगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लगातार डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है। यहां पर हर इमरजेंसी केस को खरगोन रेफर कर दिया जाता है। इसी को लेकर हिंदू मुस्लिम समाज जनों ने इलाज के अभाव में हुई बशीर की मृत्यु पर अनुविभागीय अधिकारी त्रिलोचन गौड़ को ज्ञापन सौंपा, जिसमें स्वास्थ्य केंद्र में शासन द्वारा डॉक्टरों की नियुक्ति किए जाने की मांग की है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहेंगे इसको, और जो मुस्लिम युवक था उसकी बहुत महज 30-32 वर्ष की उम्र थी, और डॉक्टर की कमी के कारण कहीं न कहीं यहाँ पर अक्सर आए दिन लंबे समय से हादसे होते रहते हैं। मैं माननीय कलेक्टर महोदय और प्रदेश सरकार से मैं मांग करता हूँ कि यहाँ पर पर्याप्त एक बड़ी विधानसभा है हमारी, और हमारा शहर हो विधानसभा के समस्त एक मेन हॉस्पिटल होने के कारण यहाँ पर अत्यधिक मात्रा के अंदर पेशेंट आते हैं, मरीज आते हैं। मैं मांग करता हूँ माननीय कलेक्टर महोदय से यहाँ पर जल्द से जल्द डॉक्टरों की जो यहाँ पर उपलब्धता हो, और जिससे कि हमारे मरीजों को राहत मिले और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, यही मैं मांग करता हूँ। हम कार्रवाई ये चाहते हैं कि जो भी उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं हो और हॉस्पिटल में सुविधाएं अच्छी हो, डॉक्टर हो। आज मेरा मतलब वहां पर देखरेख करने वाला कोई नहीं है, ना कोई कर्मचारी वहां पे कि उसको उठा के लेटा है। उसकी औरत एकली बिचारी परेशानी उठा के उसको बिठा के लेके गई है। ऑक्सीजन भी उसी ने पकड़ा, उसकी बीवी ने। और दूसरी बात यह है कि वहां पर देखरेख अच्छी से हो। हर गरीब इंसान वहां पर सरकारी हॉस्पिटल में जाता है, पैसे वाला तो नहीं जाता है। और वो इंसान रेफर कर दिया, बाद में उसको वहां से रेफर करा, और उसके बाद में वहां पर वो इंसान तड़प तड़प के मरा है। और 34-35 साल का लड़का था वो, और उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। और हम ये चाहते हैं कि वहाँ पर उस पर डॉक्टरों पर कार्रवाई हो और डॉक्टर वहाँ पर ज्यादा ज्यादा रहे। गांव के कई सारे नगरवासियों के द्वारा एक सामग्री से मुझे ज्ञापन प्रस्तुत किया गया, जिसमें सुबह का जिस उस ज्ञापन में यहाँ पर उपस्थित जो डॉक्टर हैं उनकी कम संख्या का उल्लेख किया गया। तो उस संबंध में हम शासन स्तर पर कलेक्टर साहब, माननीय कलेक्टर महोदय को हम ये ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे ताकि यहाँ पे जो डॉक्टरों की जो कमी है उसको पूर्ति की जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।